अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चार डिफरेंट टाइप के बेस के मेथड्स है वो शेयर करने वाले हूँ, और सब मेथड्स में हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट टिप्स है वो यूज़ करेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले चलते हैं जी हमारे फर्स्ट हैक की तरफ। सो लेट्स सी। अच्छा, बेस की फर्स्ट लेयर लगाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ क्रेलोन की टीवी पेंट स्टिक। इसका 45 नंबर है मेरे पास। अच्छा, जो भी मीडियम स्किन टोन वाले लोग हैं ना, वो इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है, मीडियम सा कॉम्प्लेक्शन है जैसे मेरा कॉम्प्लेक्शन है, तो आप ये वाला नंबर यूज़ कर सकते हो। बड़ी मज़े की क्लासी सी बेस जो है ना, वो इसके साथ बन जाती है। बट ये जो है ना, ये आपके स्किन टोन को इवन करता है। अगर आप अपनी स्किन को थोड़ा ब्राइटन अप दिखाना चाहते हो, तो आपको लाइट कलर का कंसीलर या फाउंडेशन जो है ना, वो इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर आपका नॉर्मल सेवेंट है, देन ये बेस जो है ना, ये इनफ है। लेकिन अगर आप शादी ब्याह वगैरह के लिए तैयार हो रहे हो, तो देन ऑब्वियसली स्किन को थोड़ा ब्राइटन दिखाना जो है वो ज़रूरी होता है, ताकि आप जो है वो ग्लोइंग दिखो। तो यहाँ पर जी मेरे पास हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन है, मिल्क शेक शेड है मेरे पास। इसका जो शेड है ये बहुत ज़्यादा फेयर है, आप इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अगर आप इसको डायरेक्ट लगाओगे तो आपकी बेस जो है वो ग्रे हो जाएगी ऑब्वियसली। तो आपको पहले ना कोई मीडियम जो है वो टोन वाली बेस लगानी पड़ेगी नीचे, उसके ऊपर आप ये लगाओगे तो बड़ी मज़े की बेस जो है ना, वो इसके साथ बन जाएगी। बेस के लिए जी मेरे पास है एवलाइन की मैटिफाइंग 18-1 बीबी क्रीम। इसको मैं कंटेनर में निकाल लूँगी थोड़ा सा, और इसका कलर जो है ना वो डार्क है थोड़ा, हमें लाइट टोन की तरफ जाना है। तो मैं इसके अंदर कोई भी लाइट कलर वाले फाउंडेशन ऐड करूँगी, जैसा कि मेरे पास है जी ब्यूटीफाई बाय आमना की ल्यूमिनस फाउंडेशन 01 फेयर शेड है। आप किसी भी ब्रांड में जो है वो फेयर टोन वाली फाउंडेशन के 2-3 ड्रॉप्स जो है ना, इसके अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेचुरल इफेक्ट में, नेचुरल लुक में रहना चाह रहे हो, देन आप उसी बीबी क्रीम को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। कंसीलर के लिए जी मेरे पास है मिस रोज़ का कंसीलर, एवरी नंबर है ये। इसको जी मैं अपने आईज़ के नीचे, बिकॉज आपको पता है कि आईज़ के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना, ये बहुत इजीली हाइड नहीं होते, इसको आपको कंसीलर लगाना ही पड़ता है। सो मैं इसको अप्लाई करूँगी और अपने हाइलाइटर पार्ट्स पर भी अप्लाई करूँगी, ताकि वो थोड़ा मजीद प्रोमिनेंट नज़र आए। अभी जी बेस को फिक्स करने के लिए मेरे पास है मेबेलिन की सुपर स्टे कॉम्पैक्ट पाउडर। ये जो है ना, ये आपकी बेस को बहुत अच्छे से फिक्स कर देगा। अभी जी यहाँ पर मेरे पास है गिबलिनी की गोल्ड लिपस्टिक, जो कि 06 नंबर है। शॉकिंग पिंक सा कलर है। अच्छा जी, अभी आप इस लिपस्टिक की जगह कोई भी कलर जो है वो यूज़ कर सकते हो। लिपस्टिक में आप रेड कलर यूज़ कर सकते हो, आप बेबी पिंक कलर यूज़ कर सकते हो। आपने इस तरह से इसको अप्लाई करके बहुत अच्छे से टैप टैप करके या रब रब करके आपने इसको जो है वो स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करना, हल्का फुल्का आपने इसको छोड़ देना है, लाइक टिंट फॉर्म में जो है ना ये रह जाए। अभी फाउंडेशन के लिए जी मेरे पास दीवान का एवर लास्टिंग फाउंडेशन है, और एक मेरे पास जी गिबरिनी की HD मैट फाउंडेशन है। सो HD मैट फाउंडेशन का डार्क नंबर है मेरे पास 3, और दूसरी जो है ना दीवान की फाउंडेशन वो फेयर शेड में है, वो मेरे स्किन से बहुत ज़्यादा फेयर टोन था, दैट्स वाई मैंने उसके अंदर थोड़ी सी डार्क फाउंडेशन जो है वो ऐड की है, ताकि मेरे स्किन के साथ जो है ना ये मैच हो जाए, बहुत ज़्यादा अवर ना लगे, वाइट ना लगे। सो इसको मैं पहले एक फ्लैट ब्रश के साथ पूरे फेस पर पेंट की तरह जो है ना अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद आप इसको जो है ना ब्रश के साथ भी या फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी आप इसको जो है वो ब्लेंड कर सकते हो। बट मैं पहले जो है ना ब्रश यूज़ करने वाली हूँ, उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और बहुत अच्छे से डैब डैब करके हम इसको जो है ना स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, अभी जो हमारे बाकी की अनइवन स्किन टोन है, उसको इवन करने के लिए आपको कंसीलर यूज़ करना होगा। जैसा कि मेरे पास है मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर, एज रिवाइंड कंसीलर। सो इसको मैं जो है ना अपने फेस के हाइलाइटर पार्ट्स पर अप्लाई करूँगी, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लाजमी अप्लाई करो। अगर आपके फाउंडेशन से ही अच्छी कवरेज हो गई है, देन आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फाउंडेशन के बाद भी जो है वो अनइवन स्किन टोन फील हो रही है, डार्क स्पॉट्स हैं वो फील हो रहे हैं, देन ज़रूरी है कि आप जो है वो कंसीलर भी लगाओ। अच्छा, फाउंडेशन के लिए मेरे पास है जो गुड गोश फाउंडेशन है, 104 शेड है इसका, और बहुत ही जो है ना डिमांडिंग शेड है। मतलब आपकी स्किन टोन पर इतना मज़े से एडजस्ट हो जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कुछ लगाया हुआ है। हाँ, अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बेस जो है वो हैवी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप जो है वो नेचुरल बेस बनाना चाहते हो, तो आप इसकी क्वांटिटी कम रखोगे। एक ये जो डार्क स्पॉट्स हैं, उन्हें फिल करने के लिए या फिर उन्हें हाइड करने के लिए हमें कंसीलर यूज़ करना होगा।
तो जी कंसीलर के लिए मेरे पास मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है। इसको हम अपने फेस के उन उन पार्ट्स पर अप्लाई करेंगे जो कि आपको लगता है कि स्टिल जो है वो डार्क है हमारे बाकी स्किन से, और हम इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, हल्का सा अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ टैप टैप करके इसको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे। प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, लाजमी चेक कर लिया करें, और लिंक भी मेंशन है जहाँ से आपने इनको ऑर्डर करना है। अच्छा, बेस को फिक्स करने के लिए मेरे पास वीटेज का कॉम्पैक्ट पाउडर है, बिस्क शेड है मेरे पास। अच्छा, ये जो है ना ये फेयर शेड है, सबसे फेयर शेड जो है ना वो इसका यही है।